नमस्कार, leluram.com में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष। मोबाइल और कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन दो आविष्कारों ने दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा ही बदल कर रख दी है। लेकिन खास बात यह है कि आज ही के दिन से, यानी कि 3 अप्रैल से, इन दोनों का ही एक खास रिश्ता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो रिश्ता। मोबाइल और कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन दो आविष्कारों ने जैसे दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की सूरत ही बदल कर रख दी है। खास बात यह है कि इन दोनों ही महान आविष्कारों का 3 अप्रैल के दिन से खास ताल्लुक रहा है। आज ही के दिन मोबाइल फोन से पहली कॉल की गई थी। 1973 में आज ही के दिन मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन से जोएल एस एंजल को पहला फोन किया था। कूपर को आज के मोबाइल फोन का जनक कहा जाता है। उस समय कूपर मोटोरोला कंपनी के लिए काम करते थे। अमेरिका में कार फोन का इस्तेमाल तो 1930 से हो रहा था, लेकिन हैंड हेल्ड फोन का इस्तेमाल 3 अप्रैल 1973 को पहली बार कूपर ने किया था। यह भी एक इत्तेफाक ही है कि 1981 में 3 अप्रैल के ही दिन सैन फ्रांसिस्को ओसबोर कंप्यूटर कॉरपोरेशन के एडम ओसबोर्न द्वारा तैयार पहले पोर्टेबल कंप्यूटर का नमूना पेश किया गया। इसका वजन करीब 24 पाउंड था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।